प्रभारी मंत्री के सामने समीक्षा बैठक में विधायक प्रहलाद गुंजल द्वारा चंद्रकांता मेघवाल को 2 करोड़ का बताने वाला मामला प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित अन्य नेताओं के पास पहुंच गया है। विधायक चंद्रकांता ने इस मामले की शिकायत सभी से की है, उन्हें मेल भेजकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। इसी क्रम में उनके समर्थन में समाज के लोगों की ओर से 2 जगहों पर गुंजल के पुतले जलाकर विरोध दर्ज कराया गया। चंद्रकांता मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रामलाल, मुख्य मंत्री वसुंधरा राजे एवं प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर को अलग अलग पत्र भेजकर 12 मई को कलेक्ट्रेट के टैगोर हॉल में हुई घटना की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रभारी मंत्री प्रभुलाल सैनी तथा अन्य विधायकों प्रशासनिक अधिकारियों के सामने विधायक गुंजल ने उन्हें 2 करोड़ की महिला का संबोधन करके सार्वजनिक रूप से अपमानित किया है। उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि यह 2 करोड़ के लोग जिनको राजनीति में हम लेकर आए, जो इस तरह की हिम्मत कर रहे हैं। अगर इनको मेरे बीजेपी से रहने से प्रॉब्लम है, जिनको राजनीति में हम लेकर, इस तरीके का अगर इनको मेरे बीजेपी से रहने से प्रॉब्लम है, ये मुझे बता दे। कोटा उत्तर से भाजपा विधायक प्रहलाद गुंजल व रामगंज मंडी विधायक चंद्रकांता मेघवाल के बीच लंबे समय से चली आ रही खींचतान शनिवार को खुलकर सामने आ गई। प्रभारी मंत्री प्रभुलाल सैनी की समीक्षा बैठक में अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में काम करवाने को लेकर दोनों विधायकों के बीच तनातनी इतनी बढ़ गई कि मर्यादाएं तार तार हो गई। गुंजल ने चंद्रकांता को 2 करोड़ की कहा तो जवाब में चंद्रकांता ने भी उन्हें 2 करोड़ का बता दिया। दोनों के बीच जुबानी जंग चलती रही और प्रभारी मंत्री चुपचाप सब सुनते रहे। बैठक में विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब विधायक गुंजल ने कहा कि मुख्यमंत्री के बजट घोषणा के बावजूद हाईवे 76 के बाईपास पर बंधा धर्मपुरा जाने वाले मार्ग पर बनने वाले अंडरपास के काम को लटकाया जा रहा है, यूआईटी उस पर काम नहीं कर रही। विधायक चंद्रकांता ने इसका विरोध करते हुए कहा कि इसकी अभी कोई आवश्यकता नहीं, मेरे विधानसभा क्षेत्र में लोगों को नाली पटाओ सड़क की आवश्यकता है, इसलिए पहले वो काम कराया जाए। इसी को लेकर दोनों में तीखी बहस हो गई।